टूटे हुए फ़ोन से, जिसकी डिस्प्ले भी वर्क नहीं कर रही है, जो बिल्कुल बेकार फ़ोन है और जिसको यूजुअली लोग फेंक देते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा महंगी है और इसको यूज़लेस हो जाता है ऐसे फ़ोन। तो गाइज़, मैंने इस फ़ोन को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया है एक एंड्रॉयड टीवी बनाने के लिए। हेलो गाइज़, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वरदान और गाइज़ आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक खास वीडियो लेकर आया हूँ। तो गाइज़ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने टीवी को एंड्रॉयड टीवी बना सकते हैं किसी ओल्ड फ़ोन को यूज़ करके। तो गाइज़ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे हाथ में यहाँ पर एक गैलेक्सी S4 डिवाइस है जो आई थिंक 2013 में लॉन्च हुई थी। और गाइज़ ये जो डिवाइस है ये MHL सपोर्ट करती है, लेकिन अभी जो मैं ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, इस फ़ोन में ना तो डिस्प्ले आती है और ना इसकी टच प्रॉपरली वर्क करती है। तो गाइज़ मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं इस डिवाइस का यूज़ करके अपने टीवी को एंड्रॉयड टीवी में कन्वर्ट कर दूँ। तो चलिए गाइज़, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो गाइज़ मेरा नाम है वरदान और मैं स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का अपने चैनल पर। तो गाइज़ सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो गाइज़ जो चीज़ें हैं उनमें सिर्फ चार चीज़ें हैं। एक मोबाइल फ़ोन है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो गाइज़ ये मोबाइल फ़ोन MHL सपोर्ट करता है, यानी कि मैं यहाँ पर अगर अपना केबल लगाता हूँ तो इसके थ्रू मैं HDMI आउटपुट यहाँ से ले सकता हूँ। तो गाइज़ सबसे पहले ये मोबाइल फ़ोन है जिसकी टच भी ख़राब है और डिस्प्ले भी वर्क नहीं कर रही है। और गाइज़ उसके बाद है ये एक मोबाइल एडेप्टर जो सिंपली आप लोगों के घर में अवेलेबल होगा, हर जगह पे अवेलेबल होता है ये, हर घर में अवेलेबल होता है। तो गाइज़ एक ये मोबाइल एडेप्टर है और उसके बाद आता है ये केबल। तो गाइज़ ये केबल है एक सिंपल MHL टू HDMI कन्वर्टर। तो गाइज़ इसमें तीन पोर्ट्स होते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला पोर्ट है ये HDMI पोर्ट है, इसको मैं इंसर्ट करूँगा अपने टीवी में। उसके बाद ये सेकंड पोर्ट है जहाँ से हम अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करेंगे, और ये थर्ड पोर्ट है जिसको मैं इंसर्ट करूँगा अपने मोबाइल फ़ोन में। तो गाइज़ ये MHL सपोर्ट करता है। तो गाइज़ ये एक केबल हो गया है। उसके बाद गाइज़ जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी फ़ोन की ना तो डिस्प्ले वर्क कर रही है और ना ही टच वर्क कर रही है, तो हमको अपने फ़ोन में कुछ सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना होगा जिसको हम इंस्टॉल करेंगे इस डाटा केबल के थ्रू अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके। तो गाइज़ सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस मोबाइल फ़ोन में USB डीबगिंग ऑन है। तो गाइज़ जब ये मेरा फ़ोन ख़राब हुआ था तो उस टाइम पे मैंने इसमें USB डीबगिंग को ऑन कर रखा था, तो ये एक अच्छी बात है। तो गाइज़ अगर आपके टूटे हुए फ़ोन में इसकी डिस्प्ले टूटी हुई है उसमें USB डीबगिंग ऑन नहीं है, तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा जहां से आप जाकर अपने फ़ोन की USB डीबगिंग को ऑन कर सकते हैं। तो गाइज़ चलिए सबसे पहले मैं इस फ़ोन को ऑन करता हूं। ऑन करने के बाद मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि ये फ़ोन ऑन हो गया है या नहीं। तो गाइज़ यहां पर इसमें एक LED लाइट है जो कि अभी टर्न ऑन होने के बाद शो होगी, उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि हाँ फ़ोन ऑन हो चुका है। तो गाइज आप यहां पर देख सकते हैं कि फोन टर्न ऑन हो गया है। और गाइज फोन को टर्न ऑन होने के बाद मैं इसमें इंसर्ट करता हूं अपने डाटा केबल को। तो गाइज यहां से मैं अपने डाटा केबल को इंसर्ट करता हूं इधर से, ताकि मैं इसमें कुछ एप्स डाल सकूं अपने टीवी पे यूज करने के लिए। तो गाइज ये मैंने इंसर्ट कर दिया है। और गाइज चलिए अब शुरू करते हैं अपने लैपटॉप पर, जो इसमें ऐप्स डालनी है मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज गूगल को आप ओपन करेंगे। तो गाइज सबसे पहले हम सर्च करेंगे वाइजर, एक ऐप है जिसको हमें डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, और इस वाले लिंक पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे। और गाइज इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे विंडोज़ के लिए।
यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन मैंने ऑलरेडी ये फाइल डाउनलोड कर रखी है और इसको इंस्टॉल भी कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको ओपन करके व्यू पर क्लिक करते हैं यहाँ पर। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एस्टेब्लिश कर रहा है कनेक्शन को और ये कनेक्ट हो गया है। तो गाइस अब इसमें हम कुछ अपनी ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं प्ले स्टोर में और यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं एंड्रॉयड लॉन्चर। और गाइस इस एंड्रॉयड टीवी लॉन्चर को सर्च करने के बाद हम इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ से सर्च किया और इसको यहाँ से इंस्टॉलेशन मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो इसको यहाँ से ओपन कर देंगे। तो गाइस अब मैं अपने दूसरे फ़ोन को यूज़ करूँगा रिमोट की तरह इस फ़ोन को ऑपरेट करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लूटूथ को ओपन करने के बाद मैं इस डिवाइस को ऐड कर लेता हूँ। और साइड व्यू में मैंने आपको दिखा भी रखा है कि मैं कैसे इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। और गाइस दोनों डिवाइसेस अभी कनेक्ट हो गई हैं। और गाइस जो हमारा फ़ोन है जिसको हम रिमोट की तरह यूज़ करने वाले हैं, अब हमको उसमें एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस हम यहाँ पर सर्च करेंगे ब्लूटूथ टचपैड। और गाइस इसको यहाँ पर टाइप करने के बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ इस वाली ऐप को, इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। ये सर्वरलेस ब्लूटूथ कीबोर्ड एप्लीकेशन है, इसको गाइस मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। और गाइस ओपन करने के बाद यहाँ से आपको इसको कनेक्ट करना है, तो मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। और गाइस ये टचपैड प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है। तो चलिए गाइस अब करते हैं हम लोग बैक यहाँ से। और बैक करने के बाद अभी हमको एक एप्लीकेशन और डाउनलोड करनी है, तो फिर से प्ले स्टोर को ओपन करेंगे हम लोग। यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर नेविगेशन बार सर्च करेंगे। तो गाइस मैं यहाँ से नेविगेशन बार सर्च करके और इस वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं गाइस। थोड़ा टाइम कंज्यूम कर रहा है। गाइस इसको यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से सेटिंग्स में जाने के लिए बोल रहा है और ये एसेसिबिलिटी सेटिंग्स ओपन हो गई हैं। यहाँ से हम इसको नेविगेशन बार को ऑन कर देते हैं, इसको परमिशन दे देते हैं यहाँ से। वैसे आप अभी नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे नेविगेशन बार आ गया है। और गाइस अभी हमारा सारा सेटअप कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं इस एप्लीकेशन को बंद कर देता हूँ। और अब हम करते हैं अपनी डिवाइस को टीवी से कनेक्ट। तो गाइस सबसे पहले मैं अपने इस मोबाइल एडेप्टर को लगाता हूँ यहाँ पावर पॉइंट में। और गाइस इसको इंसर्ट करने के बाद मैं एक केबल लेकर आता हूँ और इस केबल में जो HDMI पोर्ट है इसको मैं इंसर्ट करूँगा अपने टीवी में। तो गाइज ये मैंने इंसर्ट कर दिया है। और गाइज यहाँ से हम इसको पावर सप्लाई देंगे इस USB के थ्रू। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ अपने मोबाइल एडेप्टर से। और गाइज इसको कनेक्ट करने के बाद जो हमारा मोबाइल फ़ोन है इसमें हम इंसर्ट करेंगे इस बाकी बचे हुए पोर्ट को। बस ये मैंने कनेक्ट कर दिया है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले शो हो रही है मेरे टीवी में। अब मैं इस फ़ोन को यहाँ पर रख देता हूँ। और गाइस अब मैं अपने दूसरे फ़ोन को लेता हूँ जिसमें मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया था।
और गाइज यहाँ पर जो मैंने ऐप डाउनलोड की थी, मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि ये ऐप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गई है मेरे टूटे हुए मोबाइल फ़ोन से। तो गाइज अब मैं यहाँ से इसको अनलॉक करता हूँ। और गाइज अनलॉक करने के बाद यहाँ से मैं एटीवी लॉन्चर को यहाँ से लॉन्च करता हूँ। तो गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एटीवी ऐप लॉन्च हो गई है। तो गाइज आप अभी ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैं एक अपने अदर मोबाइल फ़ोन से अपने टूटे हुए फ़ोन की डिस्प्ले जिसकी नहीं है उसको ऑपरेट कर रहा हूँ, उसके मदरबोर्ड को हैंडल कर रहा हूँ रिमोटली। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, मैं इस पर कुछ भी कर सकता हूं, कोई भी ऐप को यूज़ कर सकता हूं। और यहां पे मैं अगर टू फिंगर से इसको स्क्रॉल अप करता हूं तो आप देखेंगे कि ये इजीली काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो गाइस यहां पर सिंपली आप देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर भी है, यहां से आप ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपकी फेवरेट ऐप्स हैं वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से जैसे मैं अभी स्क्रॉल डाउन करके यूट्यूब पर जाके इसको ओपन करता हूँ। और गाइस आप इस ऐप में देखेंगे यहाँ पर कीबोर्ड का साइन बना हुआ है, तो मैं इस कीबोर्ड के साइन पे प्रेस करता हूँ और यहाँ से लैंग्वेज को चूज़ करके ओके कर देता हूँ, क्लोज। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर सर्च पर जाता हूँ, अपने चैनल का नाम लिखता हूँ। तो गाइज ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सर्च कर रखा है अपने चैनल का नाम। तो गाइज मैं इसको यहाँ से सर्च करता हूँ। तो गाइज अब चला के देखते हैं किसी एक वीडियो को मेरी, जैसे मैंने ये काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई थी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वीडियो काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, कोई लैग वगैरह भी नहीं है। आप अपने टीवी पे या मॉनिटर पे कैसे भी ये गेम्स को चला सकते हैं। तो गाइस अब एक काम करते हैं, जो हमारा एटीवी लॉन्चर है इसको हम डिफॉल्ट ऐप बना देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा सेटिंग्स में। उस सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे। उस सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर जाते हैं मोर में, और मोर में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस लिखा हुआ है। डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस में जाने के बाद यहाँ पर होम पर हम टिक करके इसको एटीवी लॉन्चर सिलेक्ट कर देंगे। तो भाई जैसे ही मैं बैक जाऊँगा यहाँ से, तो आप देखेंगे कि हमेशा यही लॉन्चर लॉन्च होगा जो कि बिल्कुल एंड्रॉयड टीवी जैसा लगता है। और यहाँ से आप किसी भी ऐप को इजीली अच्छी तरीके से लॉन्च कर सकते हैं और इसमें कोई लैग वगैरह भी नहीं है। तो गाइस आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी? इस वीडियो की में आप देख सकते हैं कि मैंने एक टूटे हुए फ़ोन से जिसकी डिस्प्ले भी वर्क नहीं कर रही है, जो बिल्कुल बेकार फ़ोन है और जिसको यूजुअली लोग फेंक देते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा महंगी है और इसको यूज़लेस हो जाता है ऐसे फ़ोन। तो गाइज़ मैंने इस फ़ोन को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया है एक एंड्रॉयड टीवी बनाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपने व्यूज़ बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और गाइज़ अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, कीप ट्यून्ड।